नमस्कार दोस्तों, एंशंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का प्रारंभ हम करते हैं। और इस सूची में सबसे पहले हम संक्षिप्त आधार ग्रंथ सूची यानी मौलिक ग्रंथ जो भारतीय प्राचीन इतिहास के हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले वैदिक साहित्य, इसमें संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद है, ये आपके सामने हैं। संहिता चार हैं जिसको वेद कहते हैं, अथर्व ऋग सामवेद यजुर्वेद। ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय गोपद शतपथ पंचमेश, ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आरण्यक ऐत्रेय तैत्रीय और वृहदारण्यक, ये आरण्यक हैं। उपनिषद, ये उपनिषदों की लिस्ट आपके सामने है, इनको आप देख सकते हैं। उसके बाद वैदिक साहित्य के बाद में सूत्र साहित्य, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। श्रौत सूत्र में आप देख सकते हैं लिस्ट है, गृह सूत्र की लिस्ट आपके पास ये है। इसके बाद धर्म सूत्र, ये हैं महाकाव्य महाभारत रामायण, उसके बाद 18 पुराण, फिर उपपुराण, ये पुराणों की लिस्ट है, फिर उपपुराण स्मृतियां हैं, कात्यायन देवल, फिर भाष्य हैं, निबंध हैं, और ये फिर व्यक्तिगत रचनाएं हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र कामशास्त्र, साहित्य है, नाटक हैं, कथाएं हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं प्रमाणिक, ये बौद्ध ग्रंथ की लिस्ट है आपके सामने प्राथमिक, जैन धर्म की लिस्ट है ये, बाकी आप ये देखिए, ये हैं भगवती सूत्र, भद्रबाहु चरित्र, ये सब जैन सूत्र हैं, व्याकरण तथा कोश, ये उसके बाद ज्योतिष तथा आयुर्वेद के ये ग्रंथ हैं। उसके बाद आप देखिए विदेशी यात्रियों तथा लेखकों का विवरण, मेगस्थनीज, फाइन, हेनसंग, इत्सिंग, अलब्रूनी, तारानाथ। तो इस प्रकार ये ग्रंथ हैं जो कि सोर्सेज हैं प्राचीन इतिहास के, जो आपके सामने थे। अब हम चर्चा करेंगे ग्रंथों की स्टेप बाई स्टेप, ग्रंथ वाइज ग्रंथ, और अध्ययन करेंगे इनके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले वैदिक साहित्य में हम चर्चा करते हैं अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद की। अथर्ववेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट नोन रिटन स्क्रिप्चर। इसमें आर्यों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उनकी नीतियाँ और उनके संघर्षों के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में उनके कल्चर के बारे में बताया गया है, सामवेद म्यूज़िक और यजुर्वेद वार फाइटिंग, वारफेयर के बारे में सारी जानकारी देती है। तो ये वैदिक संहिताएं हैं और हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो में जो मैंने ग्रंथ दिए हैं उनकी लिस्ट को नोट कर लीजिए और अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।